जिले व संभाग की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने इस वर्ष अपेक्षाकृत सख्त कदम उठाए हैं। जनवरी 2022 से नवंबर 2022 तक रीवा जोन की पुलिस ने 62,000 से अधिक अपराधियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो सातीय बदमाशों के खिलाफ रासुका लगाने में रीवा पुलिस और जिला बदर की कार्यवाही में सतना पुलिस अव्वल रही है। पुलिस ने यह कार्यवाही ऐसे अपराधियों के खिलाफ की है जो शांति व्यवस्था में बाधक बन रहे हैं। एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव ने जानकारी देते हुए बताया कि 319 अपराधियों को संभाग से बाहर किया गया है, जबकि 100 से अधिक बाइकर्स अपराधी पकड़े गए हैं। इतना ही नहीं, संभाग में इस वर्ष रासुका के तहत भी बड़ी संख्या में कार्यवाही की गई है। बार बार चुनौती पैदा करने वाले अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए सर्वाधिक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए छोटे छोटे अपराध कर बार बार चुनौती पैदा करने वाले अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की गई है। श्री वेंकटेश्वर राव ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ अलग अलग प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है। इन कार्यवाहियों का उद्देश्य अपराधियों को अपराध करने से रोकना होता है। आइए आपको सुनाते हैं संभाग में पुलिस के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह से कार्यवाही की गई और आगे की क्या योजना है। रीवा संभाग में जो रीवा सीधी सिंगरौली सतना है, इसमें अगर देखेंगे तो हम कंपैरेटिवली अभी तक जो है 22,000 क्राइम जो था लास्ट ईयर, अभी कट के अभी 21,000 हो गया, कम से कम 1,000 क्राइम कम हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम लोग नशा अभियान लगातार काफ़ी अग्रेसिवली कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग कुछ 5 क्विंटल गांजा और 26,000 कोरेक्स का बॉटल्स पकड़े हैं। उसमें कुछ 300 लोगों को हमने जेल भेजा है। इस तरह अवैध शराब का भी कुछ 300 लोगों को हमने आरोपियों को जेल भेजा और 60 लाख का जो अवैध शराब हमने पकड़ा है। और मोटर व्हीकल एक्ट में भी हम लोगों ने करीब 99,000 लोगों को हमने इसमें कार्रवाई किया। हेलमेट अभियान हमारा काफ़ी अभी भी चल रहा है, सक्सेसफुल है। और जो बड़े बड़े जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, गुंडे, उनके जो है खिलाफ हम लोग NSA करते हैं। उसमें भी हम 30 लोगों का भी पूरे साल में संभाग में 30 लोगों को हमने जेल भेजा है। तो इस तरह की काफ़ी कार्य कर रहे हम करते रहे। अभी सार्वजनिक स्थान में भी जो अवैध शराब पीते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किया है। और सार्वजनिक स्थानों में अवैध नशा जो करते हैं उनके खिलाफ भी कुछ 5,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया है। तो इसके अलावा कई जागरूकता कार्यक्रम भी हम चला रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बस्तियों में जाके बच्चों को, नए लड़कों को नशा से मुक्त करने के लिए भरसक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अभी इस रीवा में सबसे ज़्यादा हुआ है।